नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल। एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंकन टीम का ऑलराउंडर है, उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में सबका नजर का सामने आ गया। वो अच्छे काम के लिए बुरा काम के लिए तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में जो मैच थे उनमें एंजेलो मैथ्यूज ने जब बैटिंग करने के लिए ग्राउंड पर उतारा था, तब अपने पोजिशन पर जाके उन्होंने देखा कि उनका जो हेलमेट है उनका एक्सट्रीम मतलब टूट चुका है। वो पहले से नहीं देखा था, इसके बारे में कोई को भी किसी को भी मतलब पता नहीं था, कैमरा एंगल से भी वो भी पहले से दिखा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका कैमरा का मतलब हेलमेट का जो स्ट्रिप है वो टूटा हुआ है, तो वो तुरंत नए हेलमेट ले आने के लिए बोल दिया और उनका टीममेट वो लेकर आ ही रहे थे। लेकिन एक बैट्समैन को क्रीज पे उतरते हुए फास्ट बॉल खेलने के वक्त मतलब 2 मिनट के अंदर ही वो सारे कुछ करना पड़ता है, लेकिन इस हेलमेट चेंज करने की वजह से 2 मिनट ओवर हो चुका था। और बांग्लादेश टीम ने इसके लिए अपील भी की अंपायर से, और अंपायर ने ये मतलब जाँच करने के बाद उनको टाइम आउट के जरिए उनको आउट दे दिया। काफ़ी टाइम तक एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर को और बांग्लादेश टीम का कैप्टन यानी कि सकीब को भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके मजबूरी को सारे लोग समझ सकते। लेकिन सकीब अल हसन ने जो कह रहे थे कैमरा एंगल से वो ये लगा था कि उन्होंने कह रहे हैं कि मैं यानी कि हमें जो कहना है मैं अंपायर को हमने कह दिया, वो डिसीजन उनके हाथ में है। तो अंपायर भी रूल्स दिखाकर उनको टाइम आउट के जरिए उनको निकाल दी मैच से, मतलब कि आउट कर दिया गया। 2007 में सौरभ गंगुली के साथ भी ऐसा एक हादसा हुआ था जहां पे सौरभ गंगुली ने 6 मिनट बाद ग्राउंड पे उतारा था और उसके लिए मतलब उनको भी टाइम आउट के जरिए आउट दिया गया था, लेकिन उनका नीड समझते हुए दूसरे ओपोनेंट टीम ने उनको आउट देने की विरोध में थे। इस मैच में हालांकि बांग्लादेश टीम ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म करके जीत तो गया है, लेकिन इस अपील के लिए सारे देशों में चर्चा शुरू हो गया है। बांग्लादेश टीम की इस तरह से हरकतों से श्रीलंकन टीम ने काफ़ी ज़्यादा नाखुश है और श्रीलंकन ऑडियंस ने तो शौक में ही चला गया। हालांकि बांग्लादेश और श्रीलंका कभी भी 2023 का जो वर्ल्ड कप है उस पर सेमीफाइनल में नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन इस हादसा सारे लोगों के याद में रहेंगे। इसके लिए आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह से वीडियो हर रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।